महिलाओं के हाथ से बने कपड़े, घरेलू सामग्री और आभूषण आदि को बढ़ावा देने के लिए मेरा की संस्था की ओर से लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके हुनर को एक नई पहचान दिलाना है। कटनी जिले में मेराकी संस्था की ओर से लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन रखा गया। इस आयोजन में राखी और तीज के त्योहारों को देखते हुए हाथ से बने महिलाओं के कपड़े, आभूषण और कई घरेलू सामग्री के स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम के संचालक ने बताया कि ये संस्था पिछले कई सालों से कटनी ही नहीं बल्कि कई बड़े शहरों में एग्जीबिशन का आयोजन कर चुकी है। संस्था के काम को लोग खासा पसंद भी कर रहे हैं। यहाँ पे एक नई मेराकी में एक नई चीज देखने को मिली है कि मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स, मोस्ट ऑफ द जो स्टॉल्स है वो अपने हाउसवाइफ्स ने लगाया है, और हाउसवाइफ्स के अंदर कितना टैलेंट छुपा हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन यहाँ वो उजागर होके बाहर आ रहा है टैलेंट, वो देखने को मिल रहा है। उससे उन लोगों को बढ़ावा भी मिल रहा है और उससे उन लोगों की इनकम भी हो रही है। एग्जीबिशन की सदस्य शालिनी बजाज ने बताया कि बच्चों के लिए भी कार्यक्रम में कई तरह की चीजों की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें मोबाइल फोन की जगह मनोरंजन के लिए हाथ से बने खिलौने देने चाहिए। बच्चों के लिए ऐसे सब एक्टिविटीज हैं, पॉकेट फ्रेंडली एक्टिविटीज हैं, जो आप अपने पर्स में लेके जाइए। अपने बच्चे को मोबाइल देने के बदले आप ये पजल्स दीजिए, तो कि बच्चे बैठ के उसमें एंगेज रहे, उनको यूज करें, उनका डाइवर्ट रहे टाइम उसमें, रादर उनको मोबाइल जो अपने हर जगह जाके पकड़ा देते हैं कि अच्छा ले मोबाइल देख ले, नहीं उसको बल्कि ऐसे फैंसी छोटे छोटे एक्टिविटीज में एंगेज करके रखिए ताकि बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। वहीं एग्जीबिशन की सदस्य शिखा ने बताया कि राखी और तीज के त्योहारों को देखते हुए कई तरह के प्रोडक्ट रखे गए हैं जो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। अपना हैंडमेड या अपने घर से डोमेस्टिक वर्क कर रही हैं तो उनको भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। प्लस हम जैसी लेडीज जो शॉपिंग करती हैं स्पेशली फेस्टिवल टाइम पे, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। जैसे राखी भी मैं देख रही हूँ, तो राखी से लेके आपके कॉस्मेटिक्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, और सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल है, तो फिर टाइम सेव करें हम लोग, क्यों जाए इधर उधर जाके अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।